टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. टॉपिक इज एडजस्टिंग पेज मार्जिन्स. पेज मार्जिन्स आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज. जब भी आप पेज अगर देखते हैं तो देन आपके पास स्पेस दिखती है जहाँ पे आप राइट नहीं कर पाते हैं. आपको टॉप में भी स्पेस दिख रही है एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में भी दिखती है स्पेस जिसमें आप टाइप नहीं कर पाते हैं. द मार्जिन्स एरिया कैन बी यूज टू पुट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट. देन आपकी स्पेस क्यों होती है, इसे क्या कहते हैं आप, जो एमएस वर्ड में आपका जो मार्जिन एरिया होता है दैट्स कॉल्ड इन मार्जिन एरिया. इसमें आप अगर कॉपी पेन भी होते तो आपके वो उसे अटैच करने के लिए, फाइल में अटैच करने के लिए आपको कुछ मार्जिन की नीड होती है. अगर यहाँ पे भी अगर आप टाइप करके रखेंगे देन अगर उसे फाइल में आप लगाएंगे तो देन क्या होगा, वो वर्ड्स कट हो जाएंगे. तो ये आपका मार्जिन एरिया होता है टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम, जिसमें आप कुछ भी वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ सेट होती है आपकी मार्जिन. देन अगर आपको पेज मार्जिन अगर खुद से सेट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में तो देन कैसे आप इसे सेट करेंगे. सबसे फर्स्ट आपको जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है आपको उसे ओपन करना है एंड क्लिक द पेज लेआउट. आपको पेज लेआउट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. देन आपके पास एक ड्रॉप डाउन एरो आपके यहाँ ओपन होकर आएगा जिसे दिस कॉल्ड रिबन. रिबन में यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्जिन, इसे सिलेक्ट करना है. मार्जिन किस ग्रुप में अवेलेबल है, पेज सेटअप ग्रुप. देन मार्जिन में आपको यहाँ ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, देन इस पर क्लिक कीजिए. यहाँ पर आपको पेज आपका कैसा सेटअप करना है, उसकी मार्जिन कैसी होनी चाहिए, ये आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं. लाइक अभी जो आपने सिलेक्ट कर रखा वो नॉर्मल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए. बट अगर मैं इसमें नैरो क्लिक करती हूँ तो इसमें आपको चेंजेस दिख रहे हैं, इसकी विड्थ यहाँ से कम हो गई है. अगर अगेन मैं कोई चेंज करती हूँ देन इसकी विड्थ फिर 1.5 की समथिंग आई है. तो यहाँ से आप इसे मार्जिन को सेट कर सकते हैं. जो मार्जिन होती हैं वो पेज आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों में सेट होगी, टॉप एंड बॉटम में भी चेंज होगी. नेक्स्ट इज सेटिंग पेज ओरिएंटेशन. सेटिंग पेज ओरिएंटेशन मीन्स आप जो पेज यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो द वर्ड शोज डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट स्टाइल, बट यू कैन स्विच इन टू लैंडस्केप इफ इट इज रिक्वायर्ड. अगर आपको लैंडस्केप में रिक्वायर्ड है तब आप उसे चेंज कर सकते हैं. अ पोर्ट्रेट मीन्स दैट पेज इज टॉलर देन इट इज वाइडर, वेयर एज लैंडस्केप मीन्स दैट पेज इज वाइडर देन इट इज टॉलर. अभी जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल आपकी दिख रही है वो कैसी है, पोर्ट्रेट मोड में, एंड इसे आप लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं. हाउ, सबसे फर्स्ट सेम आपको जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल है वो ओपन करना है. देन क्लिक द पेज लेआउट एंड आपके पास ये जो रिबन है इसमें आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है ओरिएंटेशन इन पेज सेटअप ग्रुप. ये पेज सेटअप ग्रुप में ही आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में ड्रॉप डाउन एरो ओपन कीजिए, देन आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं. पोर्ट्रेट अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो उसी में सेट है. बट अगर मैं इसे चेंज करती हूँ लैंडस्केप में तो देन चेंज आए इसमें, लैंडस्केप मोड में अवेलेबल है. नेक्स्ट अगर आपको साइज चेंज करना है, जब भी आप बनाते हैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल तो आपको पेज को सेट करना होता है क्योंकि आप जो फाइल बना रहे हैं उसको प्रिंट करना होता है. और प्रिंट अगर करेंगे तो आपका प्रिंट में जो पेज अवेलेबल है, जो साइज अवेलेबल है वो आपको सेट करना होती है. लाइक यहाँ पे पेज के आप साइज सेट कर सकते हैं, लेटर ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं कि कितने सेंटीमीटर वो ब्रॉड एंड उसकी लेंथ होगी. लाइक अगर A4 साइज में अगर मुझे पेज चाहिए जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं तो A4 पे आप सिलेक्ट करेंगे, देन उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे. अगर आप ये पहले से सेट नहीं करते हैं पेज की साइज अगर प्रिंट कर दे देते हैं तो देन क्या होगा, उसमें कुछ वर्ड्स आपके कट हो जाएंगे जो आपको शो नहीं हो पाएंगे. नेक्स्ट इज अ कॉलम्स. कॉलम्स मीन्स आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा पेज होता है और उसमें अगर एक न्यूज़ को भी अगर दे रहे हैं तो वो 2-3 कॉलम्स में देते हैं, पिक्चर्स ऐड होती है तो देन वो जो पेज होता है उसको कॉलम्स में वो डिवाइड करते हैं कि उसको कितने कॉलम्स में डिवाइड करना. तो यहाँ से आप इसे कॉलम को सेट कर सकते हैं 1, 2, 3. जैसे सपोज अगर मैं 2 में डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करती हूँ तो आधा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. लाइक मैं ऐसे ही आपको मैं बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा आप कहीं पर भी इसको टाइप नहीं कर पाएंगे. देखिए इसके बाद तो टाइप नहीं हो पा रहा है,
नेक्स्ट जो भी वर्ड आएंगे वो नेक्स्ट उसमें आएंगे, और अगर आपको इधर भी टाइप करना है तो आपको पैराग्राफ चेंज करके देना आप इधर टाइप कर सकते हैं. लेट्स क्लियर. थैंक यू.